माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय नेताजी को तो हमने बहुत होली खिलाया है और भगवान की कृपा से ये आनंद सदैव होता रहे। इसी के साथ अभी आप सभी आनंद लेते रहेंगे और यहाँ पर जन्माष्टमी का आज ये पर्व है, आप सभी को आनंद लेना है। आदरणीय हमारे
खलील खान साहब, पुलिस लाइन के इस कार्यक्रम में ब्रज को छोड़कर, मथुरा को छोड़कर, गोवर्धन को छोड़कर लखनऊ आना और हमारे बीच फूलों की होली पेश करना, वाकई हिम्मत की बात है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा को छोड़ना। पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि मथुरा पहुंचे और वहां से छोड़कर हमारे बीच आया करते हैं। मुरारी लाल तिवारी जी आइए, जोरदार तालियों से इनका उत्साह जाहिर करते हुए उनका शुक्रिया अदा करें। बाकी कृष्ण जन्माष्टमी में अपने एक रंग बिखेरने के लिए हमारे बीच होते हैं। ब्रज मथुरा गोकुल की गलियों से निकल के मुरारी लाल जी हमारे इस लखनऊ की सरजमी पर हमारे साथ, तो आइए हमारे उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उस कड़ी में वो खूबसूरत सी जो माला हमने आपके लिए गुलदस्ता सजाया है उसमें तीसरा पुष्प जो कि अपनी कहते हैं कि अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। और खोल दो दिलो दिमाग की ये बंद खिड़कियां, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। आइए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को, उनकी मनोहारी छवि को अपने हृदय में बसाए। सुनिए प्यार जीवन पड़े।
कभी की अपनी शुद्ध नहीं रहती है। सुनिएगा सुंदर पंक्तियां, कभी प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए।
अब जरूरी नहीं है कि वो पंडित होए कि दंडित होए, ये पढ़ने के भाव पर डिपेंड करता है। कहते हैं प्रेम अगर निस्वार्थ है तो प्रेमी पंडित होए, और बना स्वार्थी प्रेम में तो प्रेमी दंडित होए। मजनू है मगर हसरते लैला नहीं करते, मजनू है मगर हसरते लैला नहीं करते, हम इश्क तो करते हैं तमन्ना नहीं करते। आइए, मैं चाहूंगा स्वाति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हम सब बजाएं। स्वाति जी आपके समक्ष भगवान का एक सुंदर सा पद सूरदास जी की रचना सबसे ऊंची प्रेम संगीत।